अदालती आदेश के बाद जैक उपाध्यक्ष फूल सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद ही कल उनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाएगा। फूल सिंह से बात की न्यूजीलैंड भारत के हमारे सहयोगी अचल लाल ने। आदेश के बाद जैक के निवर्तमान उपाध्यक्ष फूल सिंह ने एक बार फिर से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और अनोखी बात यह है कि पदभार ग्रहण करने के 2 दिनों बाद ये रिटायर भी हो जाएंगे, यानी कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ फूल सिंह जी मौजूद हैं। सर, पूरे प्रकरण को आपने किस रूप में लिया है? श्रीमान जी, ऐसा है, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का जो आदेश हुआ था पिछले एक वर्ष पहले, उसका मैंने सम्मान पालन किया। अभी जो सरकार का आदेश हुआ कल योगदान करने के लिए, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पुनः हमें इस योग समझा कि कल पद ग्रहण करने के लिए अनुमति दी और कल पद ग्रहण कर लिया है। हमारा कार्यकाल 14 सितंबर को समाप्त होने वाला है और कल तक ही हमारा कार्यकाल है। तो मैं इस कार्यकाल में, मैं तो ये जानता हूं कि ईश्वर ने हमें, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, जैक कर्मी हैं, उन्हें एक आभार व्यक्त करने का समय मिला है और सरकार ने जो मेरे साथ ये योगदान करने के लिए किया है, तो उसके लिए मैं सरकार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर, महज 48 घंटे का ही योगदान रहेगा आपका फिर से यहाँ पर, तो क्या माना जाए इसको, ये सम्मान का विषय था? निश्चित रूप से सम्मान का विषय है और हमारे जैक कर्मियों के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनको आभार व्यक्त करने का ईश्वर ने हमें समय दिया है, क्योंकि एकाएक जिस समय हटाया गया था, एकाएक आदेश आ गया था रात को 8:30 बजे और उसी समय से मैंने छोड़ दिया था। तो एक मन में ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ मैंने काम किया है इन लोगों के बीच में, तो उन्हें आभार व्यक्त करने का एक समय और ये नहीं मिल पाया, इसलिए हमें ये प्रसन्नता है कि अपने सभी ये कर्मचारियों से, जैक के अधिकारियों से और मिलने का एक अवसर मिला। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और एक अच्छा विषय है। स्वागत सक्सेसर होंगे आपके, उनसे क्या उम्मीद आप रखेंगे? हम उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि जो ये वृक्ष है डॉक्टर शालिग्राम यादव ने लगाया है, ये हमेशा फलता फूलता रहे और पूरे देश में जैक का नाम उज्जवल हो। और इस प्रकार से यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह रहेगा, उनकी शुभकामनाएं रहेंगी, वे जहाँ भी जाएं जैक का नाम उज्जवल करें और ऊंचा करें। सर, कार्यकाल के बाद फिर आपका कर्म क्षेत्र कहाँ होगा, क्या करेंगे अभी? ये तो ईश्वर के ऊपर है क्या होगा। वैसे मैं धन्यवाद का रहने वाला हूँ, कार्यकाल के बाद धन्यवाद में ही रहने का विचार है और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना समय देना चाहता हूँ और दूंगा भी, ऐसा मेरा विश्वास है। और फिर तो ईश्वर अधीन है। सर, डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह का भी कार्यकाल कल समाप्त हो जाएगा, उनसे आपने क्या सीखा, क्या कहना चाहेंगे? सर, इतने दिन पहले मैं 25 साल तक एक प्रशासनिक पद पर, यानी प्रिंसिपल के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में था, लेकिन वो एक CBSE एफिलेटेड स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। यहाँ करके डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी से मैंने बहुत कुछ सीखा कि सरकार में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो उनका मैं भी ऋणी रहूँगा, चूँकि उनको सरकारी कामकाज के विषय में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का अनुभव हुआ। ये थे जैक के उपाध्यक्ष डॉक्टर फूल सिंह। अदालती आदेश के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, कल ये इनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाएगा, एक सम्मान का विषय था। और सबसे बड़ी बात यह कि फूल सिंह जब कल यहाँ से रिटायर होंगे, कार्यकाल समाप्त होगा, तो जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह का भी कार्यकाल समाप्त होगा, तो एक कर्मचारियों को आभार व्यक्त करने का मौका सरकार ने दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस चेयर पर आएगा इनसे अच्छा होगा, इनसे ज़्यादा काम करेगा, ऐसा खुद फूल सिंह ने कहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।